got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a tech nine. Face, of course. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो अभी आपने टाइटल थंबनेल चेक कर ही लिया होगा। तो जो ये पूरी वीडियो RS 200 के ऊपर होने वाली है, और ये मेरे फ्रेंड वैभव की बाइक है। तो उंगली किसे दिखा रहा ठीक है, अभी हम थोड़ा खाली एरिया में आए हैं। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था रोड पर, तो थोड़ा जंगल से अंदर आए हैं। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन कराई है ना भाई ने, आप जो RS 200 लवर्स होंगे उन्होंने देखी होगी, जो केरला वाले करवा के रखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उससे थोड़ा इंस्पायर होके करवाई है। अगर इसकी मैं सबसे पहले मॉडिफिकेशन की बात करूं, तो इस पे लगा है R15 V3 का मास्क और ये DB वाइज़र। एक बार इसका लुक चेक कर लो आप, मतलब बिल्कुल ही अलग लग रही है। अगर इसके सामने नॉर्मल एक RS खड़ी कर दी जाए तो थोड़ी फीकी से लेने लग जाएगी, बहुत छोटी सी लगती है। तो इस पे लगा है पहले तो आपका DB वाइज़र और मास्क, और नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें लगे हैं सिमटेक के फ्लैशर, ये लगा रखे भाई ने, जो कि आपका 35 ऐसे कुछ पैटर्न्स के साथ आते हैं, जिन्हें आप वहाँ से चेंज भी कर सकते हो बटन से, मतलब जो इसका स्विच रहता है इंडिकेटर वाला। और इसके नीचे आए थोड़ा तो इस पर लगा है R15 V3 का विंगलेट आता है जो छोटा वाला, एक वो होता है जो थोड़ा बाहर से निकला रहता है, जो मेरी गाड़ी में लगा है, एक्चुअली थोड़ा स्क्रैच वगैरह दे देता है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है इसे। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इसमें देखो भाई ने नंबर प्लेट कैसी लगा रखी है। एक बारी इसका लुक दिखा देता हूँ मैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो नंबर प्लेट ना यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो पूरा शो ख़राब कर देती है गाड़ी का। अब जैसे इसका देख लो, ऊपर का थोड़ा एरिया कवर कर रही है ये बढ़िया लग रही है, नीट एंड क्लीन। तो मैं भी अपनी बाइक में कुछ ऐसा करवाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और इसके बाद भाई ने इसमें कराए हैं एलॉय, जो कि आपके व्हाइट और ब्लैक कराए हैं। और जब ये गाड़ी चलती है ना, तो अभी हम इसके एक दो शॉट आपको दिखा देंगे, जब ये चलती है ना गाड़ी तो इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं तो क्रैश गार्ड लगे हैं इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। एक बार ये गाड़ी क्रैश भी हुई थी इस तरफ से, इसकी वजह से ये देख रहे हो आप ये कितना घिस चुका है, बट इसने गाड़ी पर एक स्क्रैच नहीं आने दिया था, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब बैक की तरफ आ जाते हैं, जो इसकी सबसे प्यारी लगती है मुझे, जो और RS से बिल्कुल अलग करती है इसे, वो है इसका 180 सेक्शन का टायर। इस पे लगा है सुपर बाइक का टायर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी 180 का है, ये देख लो मैक्सिस 180/55 ZR17 ठीक है। पर जो हम फ्रंट में यूज़ कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल RS वाला ही है, जो आपका 100 सेक्शन का आता ही है। अभी हम चेंज करके 120 करेंगे उसे, उसकी वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। बट इस पर भी लगा है 180 सेक्शन का टायर, जो कि बहुत प्यारा लुक दे रहा है। अब कई लोग कमेंट करेंगे भाई ये तो बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जो बजाज वाले होते हैं अपनी गाड़ी में ज़्यादा ब्रॉड रिम देते नहीं है KTM और R15 की तरह, ये देख लो एक बार। बट फिर भी इसका अभी लुक 160 का अराउंड आ रहा होगा ना, 160 के उसमें आ रहा होगा। बाकी भाई ने इसकी पीछे की नंबर प्लेट भी निकाली है, अभी वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद लगा देंगे। और ये लाइट्स लगाई है, बहुत प्यारी लगी है, रात को तो बहुत अच्छी लगती है। तो भाई ने इसका एग्जॉस्ट भी निकाल दिया, और ज़्यादा चेंज नहीं आवाज़ में, बस थोड़ा सा हल्का हल्की सी लाउड है उससे, और ये दो आवाज़ निकालेगा RS से। हाँ शायद वहाँ पर जो लोग थे डिस्टर्ब हो गए, वो आएंगे ना, गाड़ी की चाबी उठा दी ठीक है भागी हमारा घर तो ऐसे ही पास ही है। तो आपने इसकी आवाज़ भी सुनी ली होगी, एक बारी मैं आपको इसको साइड एंगल से भी दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। और टेल हटा के ना बहुत प्यारी लग रही है, जो उसकी टेल वगैरह आती है ना सच में बहुत बकवासी लगती है, ये देख लो गाड़ी लुक। और अब बात करते हैं 180 जो सेक्शन का टायर लगा है इसमें, इसकी बात करते हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे वीडियो में जो हमने बनाई थी इससे पहले, कि 180 सेक्शन टायर लगाने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई है, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान बताओ।
तो अगर फ़ायदे की बात करूँ तो पहला तो अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड में चल रही है हाईवे वगैरह पे, तो आपकी गाड़ी हाई स्पीड में मेंटेन रहती है, रोड पे बैलेंस बनी रहती है ठीक से, मतलब टायर वगैरह ग्रिप छोड़ता है ना जो, वो इसमें नहीं हो पाता ये चीज़, ठीक है। दूसरा आपका ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें। अब टायर की ग्रिप देख लो आप, और पहले के हिसाब से ना ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी इसकी। इसमें ABS नहीं है, नॉन ABS वाला वो है, बट इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तीसरा आपका लुक, जिसके लिए हमने लगवाया है, इस चीज़ के लिए तो लगवाया था लुक के लिए। और चौथा आपकी अगर व्हीली व्हीली मारने के शौकीन हैं आप, तो इसमें बहुत बढ़िया लगने वाली है, आपकी व्हीलीज वगैरह बहुत अच्छी लगती है। और इसके अगर नुकसान के बारे में बात करें तो भाई, पहले तो आपके गिर जाएगा माइलेज, 3-4 का माइलेज गिर जाएगा आपका। दूसरा आपकी गिर जाएगी टॉप स्पीड, वो भी 2-3 की गिरेगी। पहले हमारी बाइक का जिसमें 130 सेक्शन का टायर आता था, तो 155 चली जाती थी इजीली, बट अब 153 पे लिमिटर फेंक देती है। वैसे ज़्यादा फ़र्क है नहीं, 153 मेरे ख्याल से बहुत है सिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारे इधर ऐसी जगह है भी नहीं कोई भगाने लायक। नॉर्मल 110-120 स्पीड बहुत है, पर ये फिर भी 1 किलोमीटर के उसमें ही 153 चली जाती है। अभी हम टेस्ट भी करने वाले हैं, इसको चला के दिखाने वाले हैं। तो ये आपकी 1 किलोमीटर की है, इस पर भी हम RS भगा के देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ के सबसे बहुत है, चलो अब चला के देखते हैं। चला ऐसे वो। सो गाइस, हम RS हो चुके हैं, अब चेक करने वाले हैं। सो गाइज, अभी आपने GoPro से जो रिकॉर्ड हुई थी क्लिप वो चेक की होगी, तो गाड़ी 150 प्लस इजीली चली गई थी, और मेरे ख्याल से तो 180 टायर के साथ बहुत है, इतना मतलब सिटी के हिसाब से काफ़ी है। 1 किलोमीटर की रोड में ही वही 150 प्लस चली गई थी। सो गाइज, अभी करते हैं व्लॉग को यहीं पर ही एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मिडिल फिंगर दिखा, उंगली किसे दिखा रहा।